ये देखिए गाइस, बिल्कुल एक स्पून ऑयल में बनाकर तैयार करें ये अपनी टेस्टी नमकीन। देख सकते हैं कितनी प्यारी ड्राई फ्रूट से भरी हुई एकदम शाही नमकीन। तो चलिए देखते हैं ये हमने नमकीन कैसे बनाई है, चलकर देखते हैं। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। बस आज बिल्कुल जो लोग ऑयल वगैरह अवॉइड करते हैं, ठीक है, छोटी मोटी भूख के लिए चाहते हैं कि ज्यादा ऑयल वगैरह ना हम खाएं, नमकीन वगैरह, तो आज हम बनाएंगे पोहे की नमकीन, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक स्पून ऑयल में। तो देखिए गाइस, ये हमारा जो नॉर्मल पोहा आता है थोड़ा सा मोटा वाला, पतला वाला नहीं है, ये मोटा वाला है, आप इसकी जगह पर पतला वाला पोहा भी ले सकते हैं। तो हमने ये थोड़ा सा मोटा वाला पोहा ले रखा है, तो चलिए इसी से बनाते हैं नमकीन। तो चलिए बनाते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, काजू, नारियल, बादाम, किशमिश, ये आप अपने हिसाब से अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रखिएगा, ठीक है, हमने अपने हिसाब से रख लिया। ये देखिए गाइस, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये काजू जो है टूटे वाले भी ले सकते हैं, देखिए हमारे साबुत थे तो हमने इसको दो टुकड़ों में कर लिया है और बादाम को भी दो टुकड़ों में कर लिया है, ठीक है। आप साबुत रखना चाहें तो आप साबुत भी रख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए हमने अपने पोहा को साफ कर लिया है, ये एक कप पोहा है हमारा, तो इसमें हम डालकर इसको भून लेंगे, ठीक है। फ्लेम इसकी धीमी ही रखेंगे क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा मोटा वाला पोहा है, तो अच्छे से ऐसे चलाते हुए भूनेंगे। ये देखिए गाइस, इसको हम ऐसे चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, और इसको बिल्कुल धीमी फ्लेम पर भूनना है क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। आपके पास महीन वाला हो तो आप महीन वाला पोहा ले सकते हैं, वो पतला वाला, तो उसमें टाइम थोड़ा सा कम लगता है, तो इसको हम भून लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये देखिए गाइस, हमारे जो पोहा है उनका कलर चेंज हो गया है, तो हमको इसी तरह से कलर चेंज होने तक भूनना है, ठीक है। और आप चाहें तो एक ले के तोड़कर भी देख सकते हैं, देखिए कितने अच्छे से, ये देखिए कितने अच्छे से मैश हो रहा है, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, एक और देख लीजिए आप, ये देखिए ये मैश हो रहा है अच्छे से, तो उसका मतलब कि हमारा पोहा बढ़िया से हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं अलग प्लेट में, जिस थाली में हमने लिया था बस उसी थाली में हम निकाल लेंगे, ठीक, इस तरह से। ये देखिए गाइस, हमने एक स्पून अपना डाल दिया है ऑयल, ठीक है। अब इसको अच्छे से हम कर लेते हैं, जैसे कि क्योंकि हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है, इसको पकाना जरूरी होता है, तो पूरी कढ़ाई में ऐसे करके हम लगा लेंगे जिससे कि जो भी चीजें हम भूने वो हमारी जले नहीं और अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो लगभग लगभग हमको 7-8 मिनट लगा है पोहा भूनने में। और ये देखिए, अब इसमें हम भूनेंगे अपनी बादाम और काजू, एक साथ भून लेंगे, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इसको अच्छे से, बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है। हो गया, देखो वो 1 मिनट हो चुका है लगभग, ठीक है, 1 सेकंड, 1 मिनट लाल रेड हो गए, तो अब इसमें नारियल डाल देंगे। ये देखिए फ्लेम अब हम बंद कर देंगे क्योंकि गैस ज्यादा तेज है, और ये सारा मेवा डाल देंगे इसमें जो भी था ड्राई फ्रूट, इसे भूनेंगे। देखिए सारा भून गया है, इसको अब हम निकाल लेंगे अलग। ये देख सकते हैं काफी अच्छे भुन गए और स्मेल भी आने लगी, तो अपनी इसी पोहे वाले में हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर भुनने के लिए, और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम मिर्च डालेंगे क्योंकि ये बच्चे खाएंगे इसलिए। और अब अपना इसी में फिर से पोहा डाल देंगे, और ये ऑयल वही है जिसमें हमने ड्राई फ्रूट भुने थे, ठीक है। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि हल्दी भी हमारी अच्छे से पक चुकी होगी उसी में, ठीक है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। फ्लेम इस वक्त धीमी है, बहुत तेज नहीं है, ठीक है। ये देखिए, तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है, टेम्पिंग लग रही है बिल्कुल। और देखिए गाइस, अब इसमें हम डालेंगे नमक, कोई मसाले हमने देखिए बहुत ज्यादा ऐड नहीं किए हुए हैं, ठीक है। आप चाट मसाला ऐड करना चाहें तो आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, बट देखिए ये हम अपना नमक डालेंगे, ये मसाला नमक वही जो हमने बनाया था वही नमक है, जो कि जिसकी वीडियो हम दे चुके हैं, जो नए हैं वो नहीं जानते होंगे और जो पुराने हैं वो सब जानते होंगे कि हमने मसाला नमक बनाया था। अब इसको हम मिक्स कर देंगे,
इस तरह से। तो अब हम फ्लेम बंद कर देंगे बिल्कुल भी, ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल लो ऑयल में बनकर तैयार हो गई है, सिर्फ एक स्पून में इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिएगा अभी तो हम अपनी नमकीन को ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको कंटेनर में आप भर कर रख दीजिए, फिर लगभग लगभग 15 से 20 दिनों तक आराम से, महीने भर आराम से चला सकते हैं। बहुत टेस्टी लगने वाली है ये, तो इसको ठंडा कर ही भरे। और ये नमक है इसमें, तो जाहिर सी बात है कि नमक वाली चीजें स्टील के बर्तन में नहीं भरनी चाहिए, तो आप प्लास्टिक के बर्तन में भर के रखें अच्छे से एयर टाइट जार में। तो चलिए ठंडा करते हैं फिर सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस ठंडी हो चुकी है, तो इसको हम भरते हैं। ये देखिए आवाज इसकी सुनिएगा, कितनी अच्छी क्रिस्पी बनकर आई है ये देखिए। और ये देखने में भी इतनी टेस्टी लग रही है कि ऐसे ही बच्चे हों या बड़े ऐसे ही सब खाना पसंद करेंगे, टेस्टी नमकीन। ये देख सकते हैं गाइस हमारी नमकीन ड्राई फ्रूट से भरी हुई, कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी, कि इसको देखते ही सब एकदम बच्चे बच्चों या बड़े सब चट कर जाएंगे, एकदम सब खुश होके खाएंगे। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।